सर्दी बढ़ते ही गैस और बिजली का शॉर्टफॉल भी बढ़ गया। बिजली का शॉर्टफॉल 3000 मेगावाट रिकॉर्ड। तरबेरा डैम में बिजली पैदा करने वाले 14 यूनिट बंद। गैस की मजमू तलब 6 अरब 50 करोड़ क्यूबिक फुट हो गया। सिस्टम को 2 अरब 48 करोड़ क्यूबिक फुट गैस कमी का सामना। पावर प्लांट को गैस की फराहमी 2/3 कम कर दी गई। जनूबी पंजाब में भी गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मुल्तान में 33 सीएनजी स्टेशन बंद। वैगन एसोसिएशन की सीएनजी स्टेशन की बंदिश पर किराया बढ़ाने की धमकी। सदर वैगन एसोसिएशन राणा असगर का कहना है कि सीएनजी कल तक बहाल न की गई तो किरायों में 20 से 40% इजाफा कर दिया जाएगा। मुल्तान, रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़, बहावलपुर में गैस लोड शेडिंग का ड्रेन बोतल से बाहर आ गया। मुख्तलिफ शहरों में 17 घंटे तक की लोड शेडिंग, चूल्हे ठंडे पड़ गए। अंजुमन ताजरान और घरेलू खवातीन परेशान, खाना बनाना मुश्किल हो गया। शहरियों का महकमा सोई गैस से गैस बहाल करने का मुतालबा। गैस बहरान शहरी परेशान, जाएं तो जाएं कहां। मियांवाली दाऊदखेल में खातीन का अनोखा एहतजाज। सरों पर हांडी, तवा और गुंदा हुआ आटा उठाकर सुई गैस दफ्तर पहुंच गईं। शदीद नारेबाजी, एमपी अमीनुल्लाह के मसला हल कराने की यकीन दहानी। खातीन ने एहतजाज मौखर कर दिया। गैस के ऑफिस में आया हूँ दाऊदखेल और यहाँ पे मैंने मुतलका काम से बात की है और उन्होंने यकीन दिलाया कि इंशाल्लाह आज ही आज जो है ना ये प्रेशर का हम बढ़ा भी देंगे और जहाँ पे मसला आ रहा है उस मसले को हल भी करेंगे। बहावलपुर में सर्दी बढ़ते ही गैस की कीमतों में इजाफा। 10 दिनों में गैस 30 रुपए फी किलो तक महंगी हो गई। बहावलपुर में गैस 160 से 170 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। शहरी परेशान, हुकूमत से गैस की कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। रहीम यार खान में सर्द मौसम में खिले हुए फूलों के खुशनुमा रंग। इंडियन डलाया, गुले दाऊदी, एलसीएम और कैक्टस के खूबसूरत पौधों ने सर्द मौसम को और भी हसीन बना दिया। खिले हुए फूलों के रंग देखने वालों को सहर में डुबोते रहे।